हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जयंत कास्टिंग घानका। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पहले से जुड़े हो तो थैंक यू सो मच। सो आज है अनंत पूजा। गाइस, अनंत पूजा के बारे में आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि सबको पता होता है। तो आज अनंत पूजा है, तभी हम पूजा करने जा रहे हैं मंदिर। तो पंडित जी आ गए हैं, तो अभी वहाँ जाएंगे, तो चलो हमारे साथ। एक बार बोलिए अनंत कंद भगवान की जय। जयकार बुलाने के बाद कोई आदमी नहीं बोलेगा। बच्चों, तो लड़की जिससे विवाह हुआ पंडित जी के सुमंतु का, उस लड़की का नाम क्या था? दुखशीला। नाम के अनुसार ही उसका का नारी करकसा नारी, कर घर करेगी, खाना देगी तैयो कर घर का दुकान पर से आदमी आज खाना देवे के अपना बाप के रलाए। हाँ, तो करकसा नारी थी यानी प्रचंड। वो उसको एक कन्या जन्म मिली लड़की, उस लड़की का नाम क्या था? शीला। पंडित जी पत्रा देख के शीला के शीला बेटी। अब लड़की जो है जब बड़ी हुई अपना घर गृहस्थी का काम बहुत अच्छा से करती थी। आजकल के लड़की सब बहुत दिन मोबाइल देखती रहती है, काम नहीं, बर्तन चौका सब करती थी। उसके बाद दीवार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाती थी, है ना, देहली पर स्वस्तिक शंख कमल ये सब के चित्र बनाती थी। इसीलिए कहीं भी देखिएगा ज्यादा करके 99% माए बाप कन्यादान करता है, अपवाद में कोई कोई करता। हम खर्चा किए तो हम ना करेंगे भाई, चाहे हमारी माँ करेगी। हमारी माँ हमको अर्जा इधर देखो, इधर सब गाइस। खुद को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना लिया है, मतलब मेकअप तो नहीं किया, सच बताऊँ तो देख ही सकते हो, काइंड ऑफ नो मेकअप टाइप। तो बस थोड़ा सा नो आईलाइनर लगा लिया था क्योंकि मुझे आईलाइनर लगाना बहुत पसंद है, और लिपस्टिक लगा ली है, और ये प्यारे से झुमके पहने हैं। मैं दुर्गा पूजा टाइम पे बहुत पहनने वाली हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ। आप लोग देख के बोर हो जाओगे लेकिन मैं ये पहनना नहीं छोड़ूंगी। सो अब हम बनाएंगे रील्स, तो मैं रानी को कॉल कर लेती हूँ। उसको भी मैंने बोला था कि रील्स बनाएंगे साथ में, तो देखते हैं अगर वो फ्री है तो साथ में बनाएंगे, वरना पहले मैं बनाऊँगी, फिर जब फ्री होगी तब आएगी, ठीक है। तो कॉल करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जी, वो उसको कॉल किया था तो वो बोल रही है आधा घंटे में आऊँगी, तब तक मैं बनाती हूँ रील्स, ठीक है। अच्छी लग रही हूँ ना? पता नहीं, आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि मुझे अब मैं खुद से अच्छी लग रही हूँ। आई डोंट नो, क्या पता मेरा वहम हो सकता है मैं अच्छी ना लग रही हूँ, कमेंट में बताओ। अब रील्स बना के बोलती हूँ, रानी आ जाए फिर। गाइस, अभी मैं रील्स बना रही थी तो एक बहुत ही प्यारी लाइन मुझे पता चली है, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। रील्स में मतलब लाइन ये है कि जब बिना फिल्टर के आप खुद को पसंद नहीं करते तो फिर दुनिया से क्या शिकायत करना। और ये बात कई हद तक सही भी है कि कुछ लोग नहीं, मतलब हम भी, ठीक है, मैं भी। जब तक आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो ना, तो आपको मतलब रील्स बना लो या फिर खुद भी, बिना फिल्टर के फेस किसी को अच्छा नहीं लगता, तो फिर दुनिया से क्या शिकायत करना कि वो आपके बारे में क्या बात कर रहा है नहीं कर रहा। तो कहते हैं ना कि ये फेस क्या है कैसा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका काम क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। तो अपने काम से चमको, ठीक है। फेस क्योंकि भगवान ने जो दिया है उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो अपने काम को चेंज कर लो और अच्छे काम करो, और अच्छे काम करोगे तो अपने आप दुनिया में आपका नाम चमकेगा। सो गाइज हम बना रहे हैं यहाँ पे पूड़ियाँ। किसके लिए? अपने भगवान जी के लिए, खुद के लिए भी। भूख कस के लग गई है, देखो फूल गया। सो गाइज ये देख लो जूड़े वाली, अभी जो इतने ज्यादा कमेंट्री पास किए जा रहे थे वो इनसे किए जा रहे थे। जनता मेरे को जानती है रे। सो जिनको नहीं पता उनको बता दे, ये रानी है हमारी बेस्ट फ्रेंड।
कमेंट में सब गाड़ी देखे जाओ तो सब हमारा जान वाले। ओ माय गॉड। सो अब इधर बन रहा है पूरी हमारा, तो मैं आपको पूरी बना के दे दूँगी, ठीक है। सो गाइस पूरियां बन गई हैं और हालत एकदम ख़राब हो चुका है। अब बस नेउच काढ़ेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं, अभी खाएंगे। प्रसादी ले लीजिएगा, समझ गए, जो पूजा के लाए हैं से रख दीजिए। अच्छी लड़की बनके, गुड गर्ल बनके अब हम जा रहे हैं कंप्यूटर क्लास। सो गाइस बहुत थक गई हूँ, ठीक है। फास्ट वाले ही कैसा भी हो, कितना भी खाना हो, ठीक है, लेकिन फास्ट फास्ट होता है, पता चल रहा है मुझे। तो अब ना मैं जा रही हूँ सोने, थोड़ी देर मतलब नैप लूँगी और उसके बाद फिर आपको शाम को मिलती हूँ। ऐसा तो 4 बज गया है, 5 बजे तक सोती हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है। हाय एवरीवन। सो कहोगे कि यार अभी अचानक से ये कहाँ प्रकट हो गई, तो मैं बता दूँ कि अनंत पूजा 2-3 दिन पहले ही था, ठीक है। मुझे याद भी नहीं है यार 2 दिन पहले था कि 3 दिन पहले था, नहीं मजाक कर रही हूँ। तो अनंत पूजा के दिन ना मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया था, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, उस दिन मैंने बोला आपको कि मैं थक गई हूँ, और उसके बाद मतलब वो वीडियो वाली वाइब ही नहीं आई कि मैं सूट करूँ, मैं भूल गई थी। तो एंड मैंने किया ही नहीं था वीडियो का, और आई नो वो वीडियो थोड़ी सी छोटी है, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो बढ़ी आएगी, तो इतने में एडजस्ट कर लेना आज, ठीक है, गुस्सा मत होना। एंड इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट भी बता देना, ठीक है, कि क्या मुझे अच्छा नहीं लगा और क्या मुझे अच्छा लगा ये भी, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय, लव यू।